मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत नगर में प्रथम बार नगर परिषद के माध्यम से कराया गया सामूहिक विवाह सम्मेलन। खनियाधाना से पहली बार अक्षय तृतीया के अवसर पर मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत सामूहिक विवाह सम्मेलन नगर परिषद खनियाधाना द्वारा कराया गया, जिसमें 20 जोड़ों का रजिस्ट्रेशन हुआ था, किंतु अपरिहार्य कारणों की वजह से 4 जोड़ों का रजिस्ट्रेशन निरस्त हो गया और 16 जोड़ों का सामूहिक विवाह कार्यक्रम सफलतापूर्वक सम्पन्न कराया गया। इस कार्यक्रम में नगर के गणमान्य नागरिकों के साथ बड़ी संख्या में नगर एवं ग्रामवासी सम्मिलित हुए। नगर परिषद CMO श्री सतीश दुबे के साथ जनपद पंचायत अध्यक्ष पति श्री अरविंद लोधी, जनपद पंचायत उपाध्यक्ष संजू शर्मा, नगर परिषद अध्यक्ष श्रीमती छाया सत्येंद्र साहू द्वारा समस्त 16 जोड़ों को एक एक गिफ्ट उपहार स्वरूप प्रदान किया गया। नगर में प्रथम बार मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत होने वाले इस कार्यक्रम की लोगों ने जमकर तारीफ की और नगर परिषद की भी सफल कार्यक्रम के लिए प्रशंसा की। इस अवसर पर भाजपा के मंडल अध्यक्ष सत्यप्रकाश भरदेलिया के साथ भाजपा के पूर्व विधायक प्रत्याशी प्रीतम लोधी ने भी वैवाहिक गठबंधन में बंधे जोड़ों को अपना आशीर्वाद प्रदान किया। मध्य प्रदेश शासन ने कन्यादान योजना के तहत गरीब परिवारों की बेटियों की जो अपने परिवार में सक्षम नहीं है शादी करने के लिए, इसलिए मुख्यमंत्री कन्यादान योजना चलाई है। उस योजना के तहत नगर पालिका परिषद खनियाधाना द्वारा ऐलान कर प्रचार प्रसार कर आवेदन भरवाए गए, जिसमें 20 आवेदन प्राप्त हुए थे। 4 आवेदन कई कारणों से निरस्त किए गए हो गए हैं। 16 जोड़ों की शादी आज कराई गई है, जो साहू धर्मशाला में संपन्न की गई, जिसमें सभी नगर के पत्रकार बंधु, प्रतिष्ठित गणमान्य नागरिक, जनप्रतिनिधि आदियों ने आके भाग लिया और शादी संपन्न कराकर उनको आशीर्वाद दिया। अभी तक ये आयोजन क्यों नहीं होता था, क्या कारण था नगर पंचायत? अब उस समय की परिषद या उस समय के जो लोग कार्यरत थे उनके द्वारा या तो इसका प्रचार प्रसार नहीं कराया गया होगा या उनके द्वारा ये कार्य नहीं कराया गया, इस बारे में अब मैं कुछ कह नहीं सकता।